तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल डी एन पी एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ग्लूगन, जो कि आपका लाइन से भी चलेगा और बैटरी सोलर से भी चलेगा। आप जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, आप घर पर अपने इसमें 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। दम आपको फ्री में हम बनाकर बताएंगे कैसे बनेगा। आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमें बनाने के लिए जो चाहिए होगा, ये इस तरह का हमारा स्टील का चाहिए, जो बैटरी का सेल होता है उसे काट कर बनाए हैं। देखिए, कुछ इस तरह का बना लेना है। और इसके साथ ही इसमें ग्लू गन फिटिंग के नाप पर, देखिए हमारा ये ग्लू स्टिक है, इसे फिटिंग नाप पर हमें इस तरह का कुछ बना लेना है। यही बैटरी का सेल का है, ऊपर से हम चादर उखाड़ दिए हैं। यहाँ पर शोल्डिंग का लीक ना करे, ताकि इस पर भी शोल्डिंग किए हैं। देखिए हमारा फिटिंग हो रहा है एकदम। देखिए, आप यहाँ छुरी से छील दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले वायरिंग की। तो इसमें बनाने के लिए चाहिए कट पेंसिल। ये पेंसिल है, पेंसिल हमारे 2 सेमी चाहिए। यहाँ से कट करके इसे कट करेंगे। सो गाइस, देखिए हम इसे कटिंग कर लिए हैं। देखिए, ये हमारा 2 सेमी है, आप नाप लीजिएगा। थोड़ा सा छोड़ भर होगा, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम और भी इसे चक्कर कर लेंगे। ये हमारा नोकीला है, इसे हटा देंगे। देखिए हमारा हो गया। अब इसे हम एक वायर लेंगे, 2 वायर लेंगे छिला हुआ, लेते हैं। तो देखिए, हम इसे 2 वायर ले लिए हैं। अभी इन 2 वायरों को हम इन दोनों कॉन्फिडेंट के अंत में लगाएंगे, यहाँ पर एक यहाँ पे। यहाँ पर लगाने के लिए, फंसाने के लिए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से। देखिए, हमारा नुकीला बना लिया है। देखिए अच्छी तरह से, देखिए कुछ इस तरह से करना है आपको, ताकि हमारा ये जो वायर दोनों है, ये जो 2 वायर है, यहाँ पर हमें अच्छी तरह से फिटिंग हो जाए। देखिए इसे फिटिंग करके दिखा दे रहे हैं। इसे हम इस तरफ से धरेंगे। इस तरह से हट देंगे। ये हमारा एक वायर निकल गया इधर से। अब इसी तरह से इधर का भी वायर हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा हो गया। अब इसमें ये ना जले, इसके लिए हम इसमें एक स्लीविंग लगाएंगे, स्लीविंग पैंक। देखिए हमारा स्लीविंग पैंक है, नाप लेते हैं इसका कितना चाहिए। तो हमारा लगभग इतना चाहिए, तो इतना हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए, भी इतना कटिंग कर लीजिए, हम इसमें फिट कर देंगे, अंदर डाल देंगे। तो देखिए गाइस, हमारा पूरा अच्छी तरह से फिटिंग हो चुका है। अब इसे हम जो हम इसे बनाए थे, इस तरह का जो सोल्डरिंग पाइप, इस पर हम इसका सोल्डिंग यहाँ पर फेविकिक की मदद से इसे चिपका देंगे। चलो चिपका लेते हैं, फेविकिक से मदद से इसे चिपका लेते हैं।
तो देखिए हमारा ये पूरी तरह से चिपक चुका है। अब इस पर हम ये जो इस वायर को हम इस बॉडी से टच कर देंगे, या चाहे तो आप डायरेक्ट लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसे बॉडी से टच कर देंगे, आसानी रहेगा। तो इसे बॉडी से टच कर दे रहे हैं। मैंने इस पर पेस्ट लगा दिया ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। देखिए देखिए हम इसे सोल्डिंग कर लिए हैं। अब एक वायर ये रहा है, ऐसे में एक वायर लेंगे जो डायरेक्ट हमारा लाइन पासिंग करेगा। ये कुछ ये वायर है, इसे हम जोड़ लेते हैं। इसमें हम स्लिप भी लगा देंगे ताकि ये हिस्टिंग हो, तो ये हमारा जो पिघले ना तार, इसमें भी एक स्लिप लगा छोटा सा। हम यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमारा ये ज्वाइंट हो चुका है, यहाँ पर हम तरह से चिपका देंगे। देखिए हमारा हो चुका है। अब जो हमारा एक और वायर चलेगा वो उसे भी हम कर लेते हैं। ये भी एक वायर लेंगे, ये हमारा जो दोनों वायर हमारा चला जाएगा मेन लाइन में। अब इसे भी मैं बॉडी से टच कर देंगे। देखिए हम इस वायर को भी कर लिया। अब इसे भी हम यहाँ पर फिर किक की मदद से चिपका देंगे। देखिए ये भी हमारा अच्छी तरह से चिपक चुका है, हमारा दो वायर भी निकल गया। अब जो हम इसे पाइप को जो बनाए थे, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से लगाकर इस पर हम एमसील लगाएंगे ताकि हमारा जो ये हीट हो तो इधर का हीट ना हो, और इसे अच्छी तरह से कैप करके रखेगा, इसलिए हम इस यहाँ पर एमसील का प्रयोग करेंगे। ये रहा हमारा एमसील, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हम इसे अच्छी तरह से मिला चुके हैं। अभी हम इस पर चिपकाएंगे, नाप लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है, जितना हमारा लगता है अच्छा से हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए हम इसे हम अच्छी तरह से चिपका लिए हैं। अब इसे हम सुखाने के लिए देंगे, उसके बाद आपको सीध करके दिखाएंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। इसे तलक हम घामा में धरते हैं सूखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है, ग्लू गन सूख चुका है। अब इसमें हम आपको लाइन देकर सोलर से कुछ पिघला कर दिखाएंगे चल रहा है कि नहीं। चलिए सोलर पर लाइन देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सोलर का वायर है, इसमें हमारा कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी धराएंगे आपका वो वर्क करेगा। देखिए इसमें धरा देते हैं। ये नेगेटिव हमारा, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये हीट हो चुका है, ये अधिक गर्म है, इसलिए हम इसे इस कागज़ की मदद से कर रहे हैं। देखिए हमारा ये वर्क कर रहा है। देखिए ये हमारा ग्लू गन है, ये हमारा अच्छी तरह से भी गर्म नहीं हुआ है इसलिए इतना हो रहा है, फिर भी हाथ जल रहा है। देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।